गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री ओल्ड वॉर। इस वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने कल की क्लासेस में क्या पढ़ा? वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट पढ़ रहे हैं। बहुत सारी क्रांतियों को पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट पढ़ रहे हैं। और इस वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंतर्गत कॉजेज को हमने उसका फर्स्ट पार्ट कल पढ़ा था, और आज हम लोग इसके कारणों का अध्ययन पूरा कर लेंगे। अगेन मैंने ये भी बताया था कल की क्लासेस में कि देखो, कारणों को तो हम समराइज करके पढ़ लेंगे, लेकिन वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध जो एक टोटल वार था, जिसके बारे में हमने एक कल प्रश्न भी दिया था, उसका कारण, उसका बैकग्राउंड आप लोग सिर्फ 1914 के आसपास के वर्षों में ही मत ढूंढने का प्रयास करना, क्योंकि उन यहाँ पर जो भी कारण आपको देखने को मिलेगा इस विश्व युद्ध के लिए, इसका प्रारंभ लगभग 100 वर्षों के जो बैकग्राउंड है, यूरोप का इतिहास है, वहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग विश्व युद्ध को पढ़ रहे हो, इसका मतलब यह होता है कि पिछले 100 वर्ष का जो यूरोप का इतिहास है, यूरोप के विभिन्न देशों के बीच जो आपसी प्रतिद्वंदिता चल रही है, उनके जो आपसी सहयोग और मतभेद के इश्यूज हैं, और उस पे जब वो लोग गुटबंदी कर रहे हैं, तो यही सब समग्रता के साथ मिल करके, जैसे कैसे होता है एक सुसुप्त ज्वालामुखी, हम लोग वॉल्केनोज पढ़ते हैं कि सुसुप्त ज्वालामुखी होती है, तो वो उद्गार होता है, एक बार वो इरप्ट होता है, लेकिन वो इरप्शन से पहले उसमें, उसके अंदर काफ़ी कुछ प्रतिक्रियाएँ चलते रहती है, काफ़ी कुछ उसके अंदर की ये क्रियाएं चलते रहती है। सेम वर्ल्ड विश्व इतिहास में भी है, विश्व युद्ध का बैकग्राउंड भी वही है, राइट? तो चलिए हम आज फिर से शुरू करते हैं इस क्लास को। और अगेन मैं आपको बता दूं, फेस्टिव सीजन चल रहा है, इस वजह से आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई करो। हम लोग लाइव क्लासेस नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन जब ये क्लास प्रीमियर होगा, उस समय मैं आप लोगों के साथ मौजूद रहूँगा, आप लोग के साथ चैट में। उस समय आप लोग जो भी प्रश्न पूछोगे, कुछ भी बातें समझ में नहीं आती है, मैं आप लोग को बोल के नहीं बल्कि टाइप करके मैं भी रिप्लाई करूंगा आप लोग को, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगेन एक बार और मैं फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट जो अगली दिवाली हो, वो दिवाली आप लोग के लिए कुछ बेहतर परिणाम लेकर के आए, ओके? जो लोग 2020 का चुनाव 20 का वो लोग मेंस दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली आप लोग का ओके सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये सेलिब्रेट इसलिए नहीं कर पा रहे हो, विश्वास करो, अगली दिवाली आप लोग और बेहतर सेलिब्रेशन कर सकते हो। जनवरी में मेंस दोगे, सिलेक्शन हो जाएगी, राइट? तो इस विश्वास के साथ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ओके? चलिए, और अगेन जो कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं, उन लोगों को हम बता दें कि यहाँ पर बहुत कुछ मिलती है। अनअकैडमी ये जो लर्निंग ऐप है, इस लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोग भारत के 100 से अधिक जो एजुकेटर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस का लाभ उठा सकते हैं। उनके द्वारा आप लोग देख सकते हो, लगभग इस प्लेटफॉर्म पर 15,000 से अधिक कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन तक आपकी डायरेक्ट और अनलिमिटेड एक्सेस ग्रांट हो जाती है। तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करो, और इसको अगर ज्वाइन करते हो तो इसका एक तरीका क्या है, सब्सक्रिप्शन चूज करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रोसेस यह है कि जो लर्निंग ऐप है उसको इंस्टॉल करो, देन आप लोग सब्सक्रिप्शन चूज करो। और इसमें आप लोग को दो विकल्प दिए गए हैं, एक है प्लस और दूसरा है आइकॉनिक। प्लस में आप लोग देखो, ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती है, बल्कि ऊपर के चार जो फैसिलिटी है, लाइव क्लासेस, टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्ड, ये सभी के सभी कोर्सेज यहाँ पर सुविधाएं अवेलेबल हैं, राइट? दूसरा, अगर आप लोग इसको चूज करते हो प्लस का,
फर्स्ट ऑप्शन, तो इसके लिए 12 महीने और 24 महीने, यही सिविल सेवा जो खास करके जो गंभीर तैयारी, गंभीर रूप से सीरियस है, सीरियस स्टूडेंट्स के लिए यही दो विकल्प बेहतर है, 12 महीने और 24 महीने। आप लोग इसको चूज़ करो। 12 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसका चार्ज तो है 49,500 रुपीज़, लेकिन यहाँ भी आप लोग 10% का छूट हासिल कर सकते हो अगर ये संदीप YT रेफरल कोड को यूज़ करोगे। दूसरा 24 महीने जिसका चार्ज 72,000 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ भी आप लोग 10% छूट हासिल कर सकते हो अगर संदीप YT रेफरल कोड को यूज़ करोगे तो, और ये हो जाती है 64,800 रुपीज़। दोस्तों 12 महीने और 24 महीने अगर आप लोग फाइनेंशियली भी देखो तो ये आप लोगों के लिए 24 महीने का जो कोर्स है 2 साल का, जो आपके तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर है, ये आप लोगों के लिए बेहतर फाइनेंशियली बेनिफिशियल है। दूसरा आइकॉनिक, आइकॉनिक क्या है और ये प्लस से किस रूप में डिफरेंट है? यहाँ भी प्लस में जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं सभी के सभी यहाँ पर अवेलेबल होंगी। इसकी डिफरेंस क्या है, इसका विशेषता क्या है कि यह एक आपको कोच प्रोवाइड करेगा, ये एक मेंटोर आपको प्रोवाइड करेगा जो 24/7 आपके बारे में सोचेगा, आपके बारे में रणनीति बनाएगा, आपकी तैयारी को लेकर के मार्गदर्शन प्रदान करेगा। आप अगर क्वेश्चन आंसर राइटिंग करते हो तो ये आपको वो रिव्यू करेंगे और रिव्यू करके आपको सजेशन देंगे कि ओके आपको क्या सुधार करना चाहिए, आपकी पॉजिटिव आस्पेक्ट्स क्या है, आपकी लिमिटेशन क्या है, आपकी जो कमियां होंगी उस कमियों को रिकॉग्नाइज करके देन आपको क्या करेंगे सुधार की कहाँ कहाँ गुंजाइश है उसका आपको सहायता करेंगे, राइट। तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, इसको आप चूज़ करो। 12 महीने का जो कोर्स है वो 57,600 रुपीज़ में है संदीप YT रेफरल कोड के साथ, और 24 महीने का जो कोर्स है वह है 89,100 रुपीज़, यहाँ भी संदीप YT रेफरल कोड जो है एप्लीकेबल है, राइट। तो दोस्तों ये हमारे बारे में हो गई। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि ऑप्शनल कोर्सेज के लिए भी सेपरेट बैचेज स्टार्ट हैं, वो भी आप लोग चूज कर सकते हो। कल के क्लासेस में हमने क्या बताया था आप लोग, कल के क्लासेस में हमने बताया था कि देखो ये तो एक टोटल वार है, ये विश्व का पहला, मैंने ये भी बताया था कि देखो युद्ध जो है वह युद्ध कोई इनोवेशन नहीं था, युद्ध की जो घटनाएं घटित हो रही है ऐसा नहीं है कि 1914 में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं, मानव सभ्यता के इतिहास से ही युद्ध है, एक लोग दूसरे लोग से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, राइट। और उसी प्रतिस्पर्धा को हम कई बार क्या करते हैं, युद्ध का नाम दे देते हैं, लेकिन ये टोटल वार है। और इसी पर मैंने बताया था कि देखो ये UPSC ने एक प्रश्न भी पूछ दिया था, क्या पूछा था, वाई वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार टर्न्ड एज द फर्स्ट टोटल वार इन मॉडर्न हिस्ट्री, क्यों प्रथम विश्व युद्ध को पहला, आधुनिक भारत के इतिहास का पहला टोटल वार कहा गया। तो इसके पीछे इसका नेचर क्या था, वर्ल्ड वार हिस्ट्री की जो नेचर है ये नेचर से क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट टोल्ड, और इससे आपको तुलना भी करना पड़ेगा। इससे पहले जैसे आप लोग भारत के इतिहास में सुनते होंगे पानीपत का युद्ध, आप लोग सुनते होंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, कर्नाटका युद्ध, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मैसूर वार, ये सब युद्ध पढ़ते होंगे। लेकिन इन सब युद्ध को, ये बायलेटरल युद्ध है, हो सकता है कि कुछ सहायता करने वाले सहयोगी भी आ जाएं, लेकिन ये टोटल वार नहीं है। तो ये हमको इस प्रश्न क्या डिमांड है, इस प्रश्न की डिमांड यह है कि हम यह समझे कि अभी तक जो युद्ध हो रहा है जो बायलेटरल इन देयर नेचर, और ये जो युद्ध हो रहा है 1914 में, इन दोनों के नेचर में क्या डिफरेंट है। प्रथम विश्व युद्ध को हम, आखिर में युद्ध तो हो रहा है तो इसको प्रथम विश्व युद्ध क्यों कह रहे हैं, राइट। तो ये नेचर मैंने ये भी बताया था कि देखो ये तो हम पढ़ते चलेंगे और आप लोग जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इस प्रश्न को, इस प्रश्न के कंटेक्स्ट के बारे में हमेशा हम चर्चा करते चलेंगे, ओके। और कल हमने बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था कि देखो ये कल्पना मत करो कि 1914 की परिस्थितियां ही इस प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी,
और मैंने बताया था आप लोगों को कि इसका जो प्रारंभ आप लोग देखोगे तो 1800 नेपोलियन के समय से ही प्रारंभ हो गया था। नेपोलियन ने उसने जो प्रक्रिया स्थापित की, जिस प्रक्रिया का प्रारंभ किया, वही प्रक्रियाएं जब विश्व यूरोप की सभी देश लगेंगी करने, वही हो जाएगा विश्वास, वही हो जाएगा युद्ध अविश्वास का, राइट। तो ये बैकग्राउंड के बारे में हमने पढ़ लिया था, हमने आप लोगों को ये मैप के बारे में बताया था, मैंने हमने बताया था कि देखो इसमें दो दो गुट है, दो गुट है, मित्र राष्ट्र है, ध्रुव राष्ट्र हैं, और इनके बीच कैसे बढ़ रही है हम ये भी बताएंगे। हमने ये बालकंस के बारे में भी चर्चा किया था, और हमने सबसे पहले कल जो बता दिया था ये कंप्लीट हो गया, ये बैकग्राउंड था। और आज हम लोग कारण के बारे में हम आप लोगों को बता देंगे, ये कारण के पॉइंट्स हैं, ये सभी के सभी पॉइंट्स हैं, और इसी के बारे में हम बताएंगे कि ये सभी कारण मिलकर के किस प्रकार युद्ध को नेसेसरी बना देते हैं, नेसेसरी बना देते हैं। आज भी एक प्रश्न मैं आप लोग को देना चाहूँगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से संबंधित ही प्रश्न है, और वह क्वेश्चन क्या पूछता है, क्योंकि जब हम कारणों की व्याख्या करेंगे तो इसमें आप लोग समझ जाओगे कि ओके ये स्टेटमेंट रेलिवेंट करता है। ये आपको इससे ये भी पता चलेगा कि यूपीएससी किस प्रकार प्रश्न पूछती है। यूपीएससी कभी ये खास करके अब वर्तमान में ये प्रश्न नहीं पूछेगी कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के कारण के बारे में बताइए, नहीं, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी। और वह स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है, बोल रही है कि 1914 तक मात्र तुर्की ही यूरोप का एक बीमार स्टेट नहीं था, बल्कि पूरा यूरोप ही बीमार ग्रस्त हो गया था। क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है बाय 1914 द सिक मैन ऑफ मैन ऑफ यूरोप वाज नो लॉन्गर नो लॉन्गर जस्ट टर्की नो लॉन्गर जस्ट टर्की इट वाज यूरोप इटसेल्फ। कमेंट्स एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, ये आपको 150 वर्ड में लिखना है। इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या बात कह रहा है जो लेखक है, वो कहता है कि देखो 1914 तक तुर्की को कहा गया था कि भाई तुर्की यूरोप का बीमार स्टेट है, राइट, बीमार स्टेट है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, 1914 तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुर्की ही बीमार स्टेट है, बल्कि पूरा का पूरा यूरोप जो है बीमारी में ग्रस्त है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसेंस क्या है, इसके इसेंस को समझना है। तो इसका इसेंस आप लोग जब हम इन कारणों के बारे में पढ़ेंगे तब आप लोग समझ जाओगे कि आखिर में यहाँ पर बीमारी का मतलब ये नहीं है कि बायोलॉजिकली इल, हमें टेम्परेचर गर्म हो गया। एक देश कैसे बीमार हो सकता है, एक देश बीमार उसके एक्शन दिखाएंगे। और ये सभी कारण जो 8 कारण आप लोग देख रहे हो, यही कारण मिल करके इस प्रश्न का उत्तर देगा। ये जो प्रश्न है, इस क्वेश्चन का उत्तर ये इन सभी कारणों से ही मिलेगा, राइट। तो हम इन कारणों के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग इस प्रश्न को अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में बैठाए रहो, क्योंकि देखना, हम इन कारणों के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि टर्की और यूरोप, सिर्फ टर्की ही बीमार नहीं है, बल्कि यूरोप में भी बीमारी का मतलब क्या है। बीमारी का मतलब ये है कि हमारे शरीर में, हमारा शरीर क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, बैलेंस्ड है, संतुलन है। जब हमारे शरीर के अंदर
जो संतुलन है इस संतुलन में परिवर्तन होता है, असंतुलित हो जाता है। हमारे शरीर का एक एवरेज टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में अगर परिवर्तन आ जाए तो कारण है। हमारे लिए अगर कुछ बातें होती हैं, जैसे आप लोग कैंसर वगैरह देखते हो, जो सेल्स वगैरह देखते हो, राइट, उसमें भी अगर कुछ असंतुलन हो जाए तो बीमारी का मतलब ही होता है इम्बैलेंस्ड है। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि यूरोप की व्यवस्था में किस प्रकार की असंतुलन आ रहा है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो यूरोप में असंतुलन ला रहे हैं, और वही तमाम फैक्टर जो यूरोप में असंतुलन ला रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण होंगे, राइट। तो यहाँ पर इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न में कहीं नहीं पूछा है कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के कारण बताइए, नहीं। इस प्रश्न में सीधा एक ही बात बोला है कि भाई उसको साहित्यिक, एक क्लासिकल वर्ड जिसको कहते हैं, उसमें ये परिभाषित कर रहा है। ये आप तभी समझ सकते हो। और इसी प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, राइट। तो इसलिए आप लोग ऐसे ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए जरूरी है कि जो बेसिक्स है उन बेसिक्स को बेहतर तरीके से समझो। और यही बेसिक्स मैं एटलीस्ट समझाने का प्रयास करता हूँ, राइट। धीरे धीरे आप लोग को सारे पॉइंट्स, और विश्वास करो, एटलीस्ट जीएस वाले जितने हिस्ट्री ये पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों को मैं बता दूं, उन लोगों को और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो बस एनसीईआरटी पढ़ लेना, राइट। तो चलिए हम एक एक करके इन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके बताते चलते हैं कि ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण किस प्रकार हैं। पहला कारण मैंने बताया था, साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता। पहला कारण क्या है? साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता। राइट, एक प्रकार की प्रतिद्वंदिता है साम्राज्य विस्तार की। आखिर में साम्राज्य विस्तार की प्रतिद्वंदिता क्यों है? आप लोग प्राचीन काल में समझते ही हो कि एक राजा अपने क्षेत्र भूगोल का विस्तार कर रहा है। तो प्राचीन काल में अपने साम्राज्य विस्तार करना, ये कोई नई बात, नई घटना नहीं थी। साम्राज्य विस्तार करना ये कोई नई घटना नहीं थी, बहुत पुरानी है, प्राचीन काल से हो रहा है, याद कीजिए। तो ये जो साम्राज्य विस्तार करने की जो घटना आप लोग देख रहे हो ना, साम्राज्य विस्तार, ये कोई विश्व इतिहास में कोई नई घटना नहीं थी, याद कीजिए। जब हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो मौर्य साम्राज्य का गठन छोटे छोटे राज्यों के एक मगध में मिलाने से ही हुआ है, समामेलन किया गया है, छोटे छोटे राज्यों को मगध में समामेलित कर लिया गया है, और वही सब मिलकर के क्या हो गए हैं, मौर्य साम्राज्य हो गए हैं, राइट। लेकिन यहां पर जो साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता है प्राचीन काल में, मौर्य काल में, साम्राज्य विस्तार के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? उसके पीछे ऑब्जेक्टिव है कि जितना क्षेत्र विस्तार होगा हमारा परचम लहराएगा, हमारी हमारी मान में वृद्धि होगी, हमारा क्या होगा, इनफैक्ट एक बात और भी थी कि चूंकि संसाधन पर कब्जा होगा, सेम प्रोसेस ही अभी है, नेचर परिवर्तित हो जाएगा, राइट। तो साम्राज्य विस्तार करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था 20वीं सदी में? ये 20वीं सदी की घटना है, 20वीं सेंचुरी में ये साम्राज्य विस्तार करने के पीछे उनकी प्रेरक तत्व क्या था? तो ये साम्राज्य विस्तार करने के पीछे जो सबसे प्रेरक तत्व था दोस्तों, वह था औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति ये जो थी, ये क्या था, साम्राज्य विस्तार करने के लिए प्रेरित कर रहा था। किस प्रकार कर रहा था? औद्योगिक क्रांति में आप लोगों को समझते ही हो, मोड ऑफ प्रोडक्शन में परिवर्तन होता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, औद्योगिक क्रांति हम लोग पढ़ चुके हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में परिवर्तन होने के साथ साथ क्या हुआ, जब हमने वैज्ञानिक क्रांति किया,
और हमने उत्पादन के लिए मशीनों का मैकेनाइजेशन कर लगे करने, तो उत्पादन की प्रक्रिया में औद्योगिक क्रांति के पश्चात उत्पादन में गुणोत्तर तेजी हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई लगातार बहुत ज्यादा। इतनी अधिक वृद्धि हुई कि एक देश, खास करके यूरोप जैसे देशों में जिसकी जनसंख्या आज भी कम है, उस समय भी कम थी, तो संभव नहीं था कि अगर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही है तो उस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप होने वाले उत्पादन में वृद्धि की खपत इंग्लैंड की जनता कर सके। इसीलिए इस उत्पादन में वृद्धि जो हो रही है, इसके खपत के लिए बाजार की जरूरत थी। और इसी बाजार के लिए क्या था, क्योंकि इंग्लैंड में खपत नहीं हो सकती है, इसीलिए इंग्लैंड की सरकार ने सोचा कि अगर हम अपना प्रभुत्व दूसरे देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले प्रभुत्व स्थापित कर ले तो क्या हो जाएगा, दूसरे देशों पर प्रभुत्व स्थापित करने के साथ ही हम वहाँ की जो बाजार है, वहाँ की बाजारों पर हम अपनी वस्तुओं को क्या कर लेंगे, खपत करने की जोर अजमाइश कर सकते हैं। और इससे दूसरे देशों पर जो प्रभुत्व स्थापित होगा, इससे दो फायदे होंगे। एक तो हमको बाजार मिल जाएगा, यानी कि वहाँ की जो जनसंख्या है उनकी जनसंख्या को खपत के लिए हम अपने यहाँ जो वस्तुएँ उत्पादित हो रही हैं उसको बेच सकेंगे। दूसरा ये होगा कि हम इन देशों में जो संसाधन है, इस संसाधन को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। याद कीजिए, ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश स्थापित किया, उपनिवेश बनाया, और जब भारत को अपना उपनिवेश बना रहा है तो इंग्लैंड से अपनी वस्तुओं को तो भारत में डंप कर ही रहा है, साथ ही साथ भारत के जो कच्चे माल हैं उन कच्चे मालों को भी क्या कर रहा है, इंग्लैंड में भेज रहा है। मसलन कपास, आप लोग सुने होंगे नील की खेती कर रही है और इसीलिए नील विद्रोह भी हो रहा है, राइट। इसके अतिरिक्त चाय, कॉफी, मसाले, इन सब चीजों को क्या कर रही हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहेंगे। और आपको पता है औद्योगिक क्रांति में वस्तुएं सस्ता होना चाहिए, मार्केट में जो प्रतिस्पर्धा होती है, बाजार में प्रतिस्पर्धा होती है, तो जो वस्तु सस्ता होता है उसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं। ये टेंडेंसी होता है, कंज्यूमर की टेंडेंसी होता है, उपभोक्ता की यही टेंडेंसी होती है, मूल्य सस्ता हो, क्वालिटी उच्च हो। तो क्वालिटी तो उच्च है उनकी, नो डाउट है, लेकिन मूल्य सस्ता कैसे हो सकता है, अगर कच्चे माल हमको सस्ते सस्ते मिल जाए तो, और कच्चा माल अगर मुफ्त में मिल जाए तो क्या कहना। तो इसलिए भी उपनिवेश स्थापित करना जरूरी था, ताकि अगर भारत में उपनिवेश स्थापित हो जाएगा तो भारत के संसाधनों को हम जबरदस्ती उठा करके और इंग्लैंड में डाल देंगे, इंग्लैंड में भेज देंगे। और यही शोषण की प्रक्रिया है उपनिवेशों में। तो इसलिए सभी देश चाहते हैं कि अपना उपनिवेश साम्राज्य विस्तार करें। ये दूसरे देशों पर प्रभुत्व स्थापित करने की जो नाम है ना, यही कहते हैं साम्राज्य विस्तार, यही होता है साम्राज्य विस्तार, राइट। तो ये जो साम्राज्य विस्तार हो रहा है ना दोस्तों, ये औद्योगिक क्रांति के बाद जो पूंजीपति वर्ग उत्पन्न हो रहा है, जो पूंजीवाद की उत्पत्ति हो रही है, इस पूंजीवादी कैपिटलिज्म ने क्या किया, साम्राज्य विस्तार की अंध दौड़ लगा दी। पहले इंग्लैंड, देन इंग्लैंड को सबसे पहले, चूंकि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हो रही है तो चलो वहां पर अभी फायदा उठा रहा है, लेकिन जब सभी देशों ने एक एक करके औद्योगिक क्रांति कर लिया, देन ये प्रतिद्वंदिता और ज्यादा बढ़ गई, राइट, मार्केट के लिए। और यही साम्राज्य विस्तार की जो प्रतिद्वंदिता है दोस्तों, साम्राज्य विस्तार की जो प्रतिद्वंदिता है, इसने विश्व में कुछ अलग अलग घटनाओं को जन्म दिया। और इसने कौन कौन सी घटनाओं को जन्म दिया, आप लोग विश्व इतिहास में सुनोगे, अफ्रीका में बंटवारा,
अफ्रीका का बंटवारा, क्योंकि ये जितने भी यूरोपीय देश हैं ये अफ्रीका में जा रहे हैं। अफ्रीका चूंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो यूरोप में तो सभी के सभी देशों ने क्या किया था, अपने अपने देशों में, अगर आप लोग मैप देखो, मैप दिखाऊं मैं, ये मैप देखो, यूरोप के जितने भी देश हैं ये सब हर जगह, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, इन सभी देशों में क्या है, इन सभी देशों में औद्योगिकरण हो चुका है। तो अब यहां पर संभव नहीं है, क्योंकि सभी देश अपने यहां मार्केट, अपनी मार्केट खुद ही यूज कर रहे हैं। तो इनका स्कोप क्या है, इनका स्कोप है एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ अफ्रीका, और यही अफ्रीका और एशिया में ही इनका साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता प्रारंभ होगा। और यही साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता का एक एक चरण है जिसको कहते हैं अफ्रीका में बंटवारा। ये यूरोपीय देश अफ्रीका में जा रहे हैं और अफ्रीकी क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, राइट? तो ये अफ्रीका में बंटवारा साम्राज्य विस्तार का ही दौर है। दूसरा, चीन के क्षेत्रों में, एशिया में भी आ रहे हैं, तो चीन के क्षेत्रों में क्या है, अपना अधिकार, चीन के क्षेत्रों पर भी क्या करना है, अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और देन आप लोग अगर प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जाओगे तो प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में भी छोटे 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 जो द्वीप हैं उन पर भी अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपों पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हमने आप लोग को बताया था कि जब अमेरिका की स्वतंत्रता हो जा रही है, देन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे जैसे छोटे छोटे द्वीपों को क्या कर रहा है, अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, अपना उपनिवेश उसने स्थापित किया था। तो ये प्रतिद्वंदिता ने क्या किया है, इन सभी क्षेत्रों में यूरोप के देशों के बीच एक दूसरे को खड़ा कर दिया। ये दो देश आपस में क्या हो रहे थे, आपस में युद्ध करने के लिए उतारू थे, युद्ध कर रहे हैं। प्रश्न है, अभी दूसरा प्रश्न है, और वह दूसरा प्रश्न क्या है, और वो आप लोग के मन में आना चाहिए कि भाई सर ये बताइए, प्रतिद्वंदिता की तो बात समझ में आ गई, लेकिन क्या इन प्रतिद्वंदिता के बीच इन यूरोपीय देशों में एक सहयोग की भावना स्थापित करने का प्रयास नहीं किया गया? ऐसा भी तो हो सकता है भाई, शांतिपूर्ण, जैसे आप लोग देखो आजकल फ्री बहुत सारे, जैसे आसियान, ब्रिक्स, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, ये सब क्या है, यही तो आपसी प्रतिद्वंदिता समाप्त हो जाए, एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, विधि कानून आधारित विश्व व्यवस्था संचालित हो, इसके लिए सभी देश आपस में सहयोग करते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई युद्ध करने से तो कुछ होगा नहीं, ऐसा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी समस्या का निदान निकाल सकते हैं। तो क्या ये जब एक समय इनको पता चल गया कि ओके अब हमारी आवश्यकता है साम्राज्य, किसी दूसरे देशों पर अपना उपनिवेश स्थापित करना, और उसके पीछे उनके ऑब्जेक्टिव निश्चित थे, आर्थिक इंटरेस्ट था, उनका राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं था, आर्थिक इंटरेस्ट था, तो क्या उन लोगों ने शांति स्थापित करने का प्रयास नहीं किया? किया, उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए भी प्रयास किया, शांति स्थापित करने के लिए भी प्रयास हुआ। और इसी प्रयास के अंतर्गत आप लोग देखोगे कि एक बर्लिन कांग्रेस हो रही है, बर्लिन कांग्रेस हुई है, और ये बर्लिन कांग्रेस कब हो रही है, 1884 में। और इस बर्लिन कांग्रेस में क्या हुआ, सभी यूरोपीय देश इसमें शामिल हो रहे हैं, खास करके फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, राइट? तो ये सभी देश शामिल हो रहे हैं, साथ आ रहे हैं, ऑस्ट्रिया, ये सभी देश साथ आकर के ये प्रयास करते हैं कि भाई हम युद्ध क्यों करें, हम इसका कुछ शांतिपूर्ण मार्ग अपना सकते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये सफल नहीं हुआ, ये जो शांतिपूर्ण उन्होंने करने का प्रयास किया ये सफल नहीं रहा।
ये सफल नहीं हुआ, असफल हो गया। तो अब सफल क्यों नहीं हुआ? सफल इसीलिए नहीं हुआ, जैसे आप लोग देखो अभी ट्रेड वॉर चल रहा है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, तो सफल क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई भी देश अपने इंटरेस्ट से, आर्थिक हित से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब कोई देश अपने आर्थिक हित को से समझौता करने के लिए तैयार नहीं रहेगा, तो फिर ये कैसे हो सकता है, राइट? और इसी का परिणाम है कि हम देखेंगे कि काफी बहुत सारे युद्ध होंगे। जैसे आप लोग देखो बोअर युद्ध हो रहा है, बोअर युद्ध, और ये बोअर युद्ध किसके किसके बीच में हो रहा है? जर्मनी एंड ब्रिटेन के बीच में हो रहा है। सेडान का युद्ध हो रहा है, ये सेडान का युद्ध किसके बीच में हो रहा है? ये आप लोग सॉरी सेडान नहीं, सेडान तो हो गया आपको फ्रांस और जर्मनी के बीच में, राइट? सूडान, सूडान पर कब्जा करने के लिए, सूडान और जो फसोदा कांड हो रहा है सूडान पर कब्जा करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस, इनके बीच में प्रतिस्पर्धा है, राइट? तो इस तरह की प्रतिस्पर्धाएं चलते रही है। जर्मनी का साम्राज्यवाद विस्तार हो रहा है, याद कीजिए जब ये आ रहा है बिस्मार्क। तो ये सभी युद्ध क्या कर रही हैं? इन सभी युद्ध का एकमात्र लक्ष्य यही है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और सबसे बड़ी समस्या क्या थी? बालकन द्वीप में चले जाइए, बालकन एरिया, द बालकन स्टेट्स। मैं अभी आपको मैप दिखा देता हूं, ये देखो ये बालकन स्टेट्स है, ये बालकन स्टेट्स है। और इस बालकन स्टेट्स में हम आगे आप लोग से चर्चा भी करेंगे, रूस, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये तीनों का प्रतिद्वंदिता है यहाँ पर बालकन स्टेट्स में अपनी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बालकन स्टेट्स में, राइट? तो इन सब का परिणाम क्या होता है? तो आप लोग खुद देखो, इस समय ये साम्राज्यवादी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, इस महत्वाकांक्षा का परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम दोस्तों यह होता है कि यूरोप के सभी देशों के मध्य एक प्रकार की घृणा उत्पन्न हो गया, एक प्रकार का अविश्वास उत्पन्न हो गया, राइट? राइट? और जब ये एक प्रकार की घृणा हो गया, एक प्रकार का अविश्वास उत्पन्न हो गया, तो निश्चित तौर पर युद्ध अनिवार्य होगा, राइट? युद्ध क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। तो ये एक कारण है साम्राज्यवादी, और ये हम इसके अतिरिक्त देखेंगे कि अन्य कई कारण हैं जो इसको और ज्यादा युद्ध को अनिवार्य कर देंगे, राइट? थोड़ी देर मैं बस 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, मैं 2 मिनट में आपसे बात करता हूँ।
यू। ओके, तो ये एक कारण है। आप देखिए, जो एक प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया था, उस प्रश्न का बैकग्राउंड ही यही है कि भाई यूरोप कैसे बीमार है। ये बीमारी का लक्षण है, घृणा, अविश्वास होना। ये क्या है? बीमारी का लक्षण है। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण मैंने बताया था कि कूटनीतिक संधियां। अब देखो, कूटनीतिक संधियां यहीं से प्रारंभ होंगी। यूरोप में कई सारे देश हैं, कई सारी शक्तियां, पावर्स हैं। इनके बीच एक प्रतिस्पर्धा है, इनके बीच एक प्रतिद्वंदिता है, राइट? तो सब देश चाहेंगे कि युद्ध में ना फंसे। कोई देश नहीं चाहेगा कि हम युद्ध करें। इनका सबका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, आर्थिक हित, एक दूसरे के विरोधी है। बावजूद इसके, चूंकि अर्थ, आपको पता है कि अगर एक युद्ध होता है तो प्रत्येक कोई भी देश हो वो पीछे चले ही जाता है। तो ये तो समझ है इन लोगों के पास, इसीलिए ये कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं। इसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना। और ये जो दूसरा कारण फर्स्ट से ही रिलेटेड है, फर्स्ट का ही परिणाम है। कैसे? जो दूसरा कारण है दोस्तों, वह दूसरा कारण है कूटनीतिक संधियां। कूटनीतिक संधियां करने के पीछे कारण क्या था, वजह क्या था? दोस्तों, इसके पीछे वजह एकमात्र यही था कि देखो, कूटनीतिक संधियां करने के पीछे वजह क्या था? साम्राज्य विस्तार करना है, साम्राज्य प्रसार करना है, उपनिवेश स्थापित करना है, उपनिवेश स्थापित करना है। तो इस उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया में युद्ध ना हो, पहली बात। युद्ध तो अनिवार्य है, युद्ध तो अनिवार्य है, लेकिन अगर युद्ध होता है तो सब कोई चाहेगा कि विजय हमारी हो। तो विजय किसकी होगी? कौन जीतेगा युद्ध? युद्ध वही जीतेगा जिसका सैन्य बल अधिक हो, जिसका सैन्य बल अधिक हो, सैन्य बल अधिक हो। और इसीलिए यूरोप के इन देशों ने संधियां करना प्रारंभ किया, संधियां करना प्रारंभ किया, प्रारंभ किया। और इन संधियां, ये जो संधि कर रहे हैं, ट्रीटी कर रहे हैं, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? उसमें कुछ जो प्रावधान है, सामान्य प्रावधान, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। यानी कि एक देश से तो एटलीस्ट हमको सुरक्षा मिला। हम तो एटलीस्ट इतना तो समझ सकते हैं कि भाई, जैसे भारत और रूस के बीच में एक मित्रता संधि हुई थी, तो भारत और रूस के बीच में जब मित्रता संधि हो गई तो भारत रूस के प्रति क्या है, आश्वस्त हो गया। उसको ये समझ में आ गया कि भाई, रूस से एटलीस्ट मुझे रूस सहयोग करे ना सहयोग करे बाद की बात है, लेकिन रूस हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, परिस्थितियां चाहे जो कुछ भी हो। तो इससे हमारा क्या होगा? इससे हम रूस के प्रति क्या हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, और अपनी पूरी ताकत जो है पाकिस्तान या चीन के प्रति लगा देंगे। अब हमको डर नहीं है रूस की। तो पहला सेफ्टी यह हो गया। इसमें इन संधियों में और क्या प्रावधान हुआ? इन संधियों में और बातें कही गई कि अगर मान लीजिए भारत और रूस के बीच जो मित्रता संधि हुई है, उसमें एक प्रावधान यह भी जोड़ दिया गया कि अगर चीन भारत पर आक्रमण कर रहा है तो वह रूस अपने ऊपर आक्रमण समझेगा और रूस भारत की सहायता करने आ जाएगा। तो एक प्रकार की यह मित्रता संधि भी लगते हैं करने। मित्रता संधि में दोनों प्रकार के प्रावधान होते हैं, एक दूसरे पर हम आक्रमण नहीं करेंगे, और साथ ही साथ अगर कोई तीसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हम उस देश के विरुद्ध युद्ध करेंगे, राइट? तो इस प्रकार के प्रावधान करना जरूरी था।
जरूरी क्यों था? पहला जो विकल्प था उससे हमको एक देश से जो खतरा है वो समाप्त हो गया, और दूसरा जो विकल्प होगा वो क्या करेगा, एक देश को उसकी सैन्य बल को मजबूत करेगा, स्ट्रेटजिक जो उसके कंपोनेंट्स होंगे उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि निश्चित तौर पर अगर चीन भारत पर आक्रमण करता है और रसिया भारत की सहायता करने आ जाएगा तो भारत और रूस मिलकर काफी मजबूत हो जाएंगे चीन को पराजित करने के लिए। तो देखो युद्ध तो अनिवार्य है, लेकिन युद्ध अगर होता है तो हमारी विजय हो या उन्होंने युद्ध को रोका कैसे जा सकता है, इन सब की प्रक्रिया ने, इन सब की सोच ने संधियों का एक दौर प्रारंभ कर दिया। यूरोप के देशों के बीच हम देखेंगे कि लगातार संधियों पर संधियां होती जाएंगी। इन संधियों का प्रारंभ कब से हो रहा है? इन संधियों का प्रारंभ दोस्तों आप लोग देखोगे तो जर्मनी के एकीकरण से ही प्रारंभ हो गया, जर्मनी के एकीकरण से ही प्रारंभ हो गया। आपको पता है जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा है तो ये जर्मनी का एकीकरण फ्रांस को पराजित करके हुआ था, फ्रांस को पराजित करके हुआ था, राइट। तो अब इसके बाद जब फ्रांस एक मजबूत देश पराजित हो गया तो फ्रांस के अंदर जर्मनी के प्रति एक क्या हुआ, गुस्सा, नफरत, घृणा पैदा हो गया। जर्मनी को पता था कि चूंकि हमने फ्रांस को पराजित किया है तो आने वाले समय में ये फ्रांस जो है इसका बदला जरूर लेगा। तो अगर वो बदला कभी भविष्य में लेता है उसके लिए हमको अभी से अपनी तैयारी करनी होगी, हम स्ट्रांग रहें, अलर्ट रहें, हम इतना अलर्ट रहें कि अगर भविष्य में फ्रांस बदला लेने की कोशिश करता है तो हम उसको फिर से पराजित कर दें। और इसके बाद से जर्मनी, इसका जो चांसलर होता है बिस्मार्क, ये बिस्मार्क सोचता है कि हम ऐसा करते हैं कि फ्रांस कभी सोचे ही नहीं, उसको तो पराजय हासिल हुई है, फ्रांस को, फ्रांस पराजित हुआ है, फ्रांस हमेशा सोचेगा, लेकिन हम एक ऐसी रणनीति अपना लें जिससे कि फ्रांस के अंदर डर पैदा हो जाए, जैसे पाकिस्तान के अंदर आज भारत के प्रति डर है। पाकिस्तान कभी भी डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान समझता है भारत की शक्तियों के बारे में, शक्ति के बारे में। नेपाल पिछले अगर कुछ महीनों में देखोगे आप लोग तो नेपाल ने अपना एक मानचित्र निकाला और उस मानचित्र में भारत के कुछ क्षेत्रों को नेपाल के अंतर्गत दिखाया। वास्तविकता है नेपाल कभी भारत पर आक्रमण करने की सोच नहीं सकता है। कुछ देश चीन वगैरह उसको क्या कर रहे हैं, बैकअप कर रहे हैं कि ओके तुम उसके इंडिया के अगेंस्ट हो जाओ, लेकिन वो सीधे वार कभी नहीं कर सकता क्योंकि वो पता है भारत की ताकत। तो जर्मनी बिस्मार्क यही सोचता है कि जर्मनी को हम इतना स्ट्रांग कर लें कि फ्रांस कभी भी क्या हो, हमारे अगेंस्ट हो ही नहीं सकता है। तो बिस्मार्क ने सोचा कि हम विदेश कई सारे देशों को अपने साथ मिला लेते हैं। उस समय कौन कौन से ऐसे देश थे जो फ्रांस को सहायता कर सकते थे? एक था रूस, एक था ऑस्ट्रिया, एक था इटली, राइट। इंग्लैंड को, एक इंग्लैंड भी चलो हम यहां पर लिख देते हैं, सॉरी। तो ये मुख्य देश हैं, ये मुख्य देश, चारों देश जर्मनी की तरफ भी जा सकते हैं, फ्रांस की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन आपको हमने पहले भी बता दिया है कि इंग्लैंड को यूरोप की आंतरिक राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो इंग्लैंड को हटा दो, बाकी बचे तीन देश। तो बिस्मार्क ने सोचा कि क्यों ना हम ये जो तीन देश हैं, तीनों देशों को अपने साथ मिला लें। इन तीनों देशों को अगर हम लोग जर्मनी के साथ मिला लेंगे तो ये फ्रांस क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा,
और जब फ्रांस अकेला हो जाएगा तो ये जर्मनी पर आक्रमण करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो उसकी यही सोचने बिस्मार्क ने जो विदेश नीति अपनाई, उसके विदेश नीति का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, कि फ्रांस को कैसे विश्व यूरोप में अकेला कर दिया जाए, राइट? तो यही वजह है कि क्या कर रहा है जर्मनी जो है दोस्तों, वह 1870 में इसके एकीकरण हो रहा है, 1872 में एक संधि कर रहा है। और वह संधि क्या था? तीन सम्राटों की संधि कर रहा है, संधि कर रहा है। और इस संधि में कौन कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस। रूस, ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ क्या कर रहा है? संधि कर ले रहा है। अगेन, अब आप लोग पूछोगे कि सर आपने तो पहले पॉइंट में बताया था कि इन दोनों के देशों के बीच में एक क्या है, प्रतिद्वंदिता है। जैसे ऑस्ट्रिया और रूस के बीच में एक प्रतिद्वंदिता है बालकन क्षेत्र को लेकर। बालकन, ये जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हो ना, ये दो बालकन्स है ना, इस बालकन क्षेत्र में दोनों के इंटरेस्ट प्रभावित हैं। रूस इस बालकन क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना चाहता है और ऑस्ट्रिया इस बालकन क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। तो इन दोनों देशों के बीच एक द्वंद प्रतिद्वंदिता है। बावजूद इसके ये बिस्मार्क की सफलता ही कही जाएगी, विदेश नीति की सफलता ही कही जाएगी, कि वह क्या करता है, इन दोनों देशों को एक साथ लेकर के आ रहा है, राइट? तो ये 1872 में क्या हो रहा है? संधियां हो रही है, राइट? लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है? फिर उसने क्या किया? रूस के साथ उसने 1887 में जर्मनी और रूस के बीच में, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, दूसरी संधि जो हो रही है 1887 में, 1887 में एक पुनर्वासासन संधि हो रहा है, पुनर्आश्वासन संधि, संधि ये हो रहा है जर्मनी और रूस के बीच में, जर्मनी रूस के बीच में हो रहा है। और इस जर्मनी पुनर्आश्वासन संधि जो हो रही है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई फ्रांस को किसी भी तरह अलग करो, और बिस्मार्क इसमें सफल हो जा रहा है। लेकिन परिवर्तन कब आ रहा है? 1890 में, 1890 में क्या हो रहा है? बिस्मार्क अलग हो गया, बिस्मार्क चांसलर के पद से अलग हो गया। और उसके बाद उसका जो राजा है विलियम कैसर, ये विलियम कैसर ही क्या कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी को लगता है इंप्लीमेंट करने। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और रूस, इनका इंटरेस्ट बालकन क्षेत्र में क्या था, टकरा रहे थे। इन दोनों का हित टकरा रहा था, दोनों बालकन पर अपना क्या कर रहे थे, अपनी मजबूत अवस्था बनाए रखना चाहते थे। तो ऐसी परिस्थिति में विलियम कैसर ने क्या किया, बालकन क्षेत्र के संदर्भ में समर्थन कर दिया, विलियम कैसर ने ऑस्ट्रिया का समर्थन कर दिया, राइट? तो जब ये, इसने क्या किया, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का समर्थन कर दिया, तो इससे रूस को धक्का लगा। रूस ने सोचा कि अरे भाई ये तो हमारे साथ गद्दारी है। देन अब क्या हो रहा है, यहीं से परिवर्तन होगा। और ये लग 1890 के बाद देख रहे हो ना परिस्थितियां किस तरह परिवर्तित हो रही है। अगर मान लो, कल्पना करो, ये परिस्थितियां चलती रहती, यही परिस्थितियां चलती रहती, तो कोई फ्रांस मजबूती नहीं होता। लेकिन 1890 के बाद कैसर जो है, जर्मनी ऑस्ट्रिया का समर्थन कर दे रहा है बालकन क्षेत्र में। और जब बालकन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया पर समर्थन कर देगा तो रूस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे देखो, भारत ने जम्मू कश्मीर के जो 370 आर्टिकल्स को हटाया, हटा दिया, उसके बाद से सऊदी अरब हो, यूएई हो, बहुत सारे
सारे गल्फ स्टेट्स जो हैं, कंट्री जो हैं, उन्होंने भारत का समर्थन किया, कुछ अगेंस्ट में बात नहीं बोला। तो जब कुछ अगेंस्ट में बात नहीं बोला तो आप लोग देखते होंगे कि पाकिस्तान ने क्या किया, टर्की, ईरान और मलेशिया, इन तीनों को मिला करके मुस्लिम देशों का एक अलग गुट बनाने का प्रयास किया, राइट। अभी तक जो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया साथ साथ थे, सऊदी अरबिया के बदले हुए स्वभाव को देखते हुए पाकिस्तान ने टर्की और ईरान को क्या किया, समर्थन करने का प्रयास लगे करने, राइट। तो ये जो हो रहा है ना, इसने क्या किया, फ्रांस को एक मौका दिया कि ओके अब यहां पर रूस क्या है, रूस को अब तोड़ा जा सकता है। इसके बाद से क्या हो रहा है, आने वाले समय में क्या हो रहा है, एक गुप्त संधि हो गया 1894 में, एक गुप्त संधि हो रहा है बिटवीन फ्रांस एंड रूस। तो देखो अब यहां पर यूरोप का जो नेचर है, स्वभाव है, वह किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है, वह देखिए। हमने बताया था कि जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क की पॉलिसी क्या थी, कि फ्रांस को अलग थलग करो, क्योंकि अगर फ्रांस मजबूत होगा तो वह जर्मनी पर आक्रमण करेगा। बिस्मार्क सफल रहा है, लेकिन बिस्मार्क के बाद जो विलियम कैसर आ रहा है, वह उसमें क्या है, उसमें बिल्कुल सफल नहीं रहा है। और इसके बाद से क्या हो गया है, जर्मन के विरोध में एक द्विगुट स्थापित हो गया, राइट। ये गुटबंदी प्रारंभ हो गया, संधि, गुप्त संधि। इस दौर ने, ये जो गुप्त संधि है ना, ये गुप्त संधि और ज्यादा अविश्वास पैदा करेगा, ये और ज्यादा अविश्वास पैदा करेगा। लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा देश किसके पक्ष में है। हम आपसे बात कर रहे हैं, खुशी खुशी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा किसी अन्य लोगों के साथ गुप्त समझौता हो गया है, ये समझ में नहीं आएगा, राइट। तो अब आप लोग पहली पॉइंट्स देख रहे हो ना, कि जो फ्रांस का एकांगीपन था, अकेलापन था, वह अब समाप्त लगा होने, यानी कि फ्रांस अब लगेगा मजबूत होने। और जब फ्रांस मजबूत होगा तो फिर क्या होगा, एक संशय पैदा होगा। दूसरा, तीसरा, यहां पर और भी जर्मनी ने एक और जर्मनी की गलती को देख लो। जर्मनी क्या करता है कि अपना, जर्मनी ने अपनी नौसेना को मजबूत करना शुरू कर देता है, नौसेना को मजबूत करना शुरू कर लेता है। साथ ही साथ ये अपना उपनिवेश विस्तार भी लगता है करने, खास करके अफ्रीका के क्षेत्र में। तो जब जर्मनी अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है, जर्मनी अपने उपनिवेशों को स्थापित कर रहा है, तो इससे क्या होगा, ये एक खुली चुनौती थी इंग्लैंड को। इंग्लैंड को, जर्मनी जब अपनी नौसेना को स्थापित करेगा, मजबूत करने का प्रयास करेगा, इंग्लैंड की नौसेना पावर को, नेवल पावर को चुनौती प्रस्तुत करेगा, उपनिवेश स्थापित करके इंग्लैंड को चुनौती प्रस्तुत करेगा, देन अब इंग्लैंड के लिए भी मजबूरी हो जाएगी कि इंग्लैंड भी क्या करे, फ्रांस के साथ गुटबंदी करे, फ्रांस के साथ गुटबंदी करे। और ये गुटबंदी होती भी है, और ये गुटबंदी कब हुई दोस्तों, 1904 में। 1904 में आप लोग देखोगे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक औपचारिक संधि हो रही है, क्योंकि देखो दोनों का दुश्मन यहां पर एक ही है। फ्रांस का दुश्मन जर्मनी तो है ही, लेकिन जर्मनी ने नौसेना और उपनिवेश के संदर्भ में इंग्लैंड को चुनौती प्रस्तुत करके इंग्लैंड को भी अपना दुश्मन बना लिया। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप लोग बहुत भली भांति जानते हो कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, मित्र होता है। तो ये दो दुश्मन, जर्मनी के दो दुश्मन एक साथ आ गए, राइट। तो ये देखो, पहले ही फ्रांस और रूस साथ में है, इंग्लैंड और फ्रांस 1904 में आ गए, और इसी का परिणाम होता है दोस्तों, 1907 का समय आता है, 1904 के बाद 1907 का आता है।
और इसमें त्रिराष्ट्र का मैत्री संघ बनता है, मैत्री संघ बनता है। कौन कौन इसमें है? इंग्लैंड, इंग्लैंड इसमें है, फ्रांस और इसमें है रूस, राइट। तो मैं क्या बता रहा हूं कि इन संधियों के दौर ने क्या किया, गुट बना दिया, गुटबंदी को प्रारंभ किया, राइट। इसके पहले आप लोग देखोगे, मैंने बता दिया था कि ये 1872 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस के बीच में क्या हो रहा है, संधि हो रही है। तो रूस तो इससे अलग हो जा रहा है, लेकिन जर्मनी और ऑस्ट्रिया साथ में हैं। अभी आगे चल करके आप लोग देखोगे कि एक त्रिगुण बनेगा और इस त्रिगुण में क्या होगा, हॉलैंड आ जाएगा, तो ये इटली आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, दो गुट हो गए। अब ये दोनों गुट आपस में कभी भी या वार लड़ सकते हैं। और देखो यही गुटबंदी जो है दोस्तों, यही गुटबंदी 1882 में हो जा रहा है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ सको। 1882 में क्या हो रहा है, त्रिगुट संधि हो गया, राइट। तो 1882 में त्रिगुट और 1907 में मैत्री संघ स्थापित हो गया। और यही क्या है, बैकग्राउंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यही बैकग्राउंड है। एक बार मैं मैप पर आपको दिखा दूं कि किस तरह की ये गुटबंदी हो रही है। ये गुटबंदी देखो, राइट, ये आप लोग इंग्लैंड, इंग्लैंड ये फ्रांस, रूस, ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये तीनों मिलकर के जो देश संधि कर रहे हैं वो मैत्री संघ है, त्रिराष्ट्र मैत्री संघ है। जबकि ये जर्मनी आप लोग देख रहे हो, ये जर्मनी, ये ऑस्ट्रिया, ये बुल्गारिया, ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं, ये संघ मिलकर के जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ध्रुव शक्ति, ध्रुव राष्ट्र, राइट। तो ये सेंट्रल जो पावर्स बन रहे हैं ये दोनों, और ये सब कब तक हो रहा है, 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी बन जा रहे हैं, और 1907 में ये मित्र संघ बन जा रहे हैं, और 1914 में युद्ध हो जा रहा है। तो इसके बीच अभी और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो इन राष्ट्रों को युद्ध करने के लिए क्या करेगा, विवश कर देगा। और उसमें तीसरा क्या है, विकृत राष्ट्रवाद। तीसरा जो है आप लोग देखोगे, विकृत राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद क्या है, आपको पता है कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का जो संकल्पना है, ये राष्ट्रवाद की संकल्पना कोई नई नहीं थी। राष्ट्रवाद की अगर आप लोग प्रथम संकल्पना देखोगे तो फ्रांस की क्रांति से ही प्रारंभ हो रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रारंभ हो रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से राष्ट्रवाद की भावना प्रारंभ हो रही है। जर्मनी का एकीकरण हो, एंड इटली का एकीकरण हो, इनका एकीकरण ने राष्ट्रवाद की भावना को बिल्कुल सर्वोच्च कर दिया। और इसके बाद ये तो राजनीतिक तौर पर है, लेकिन इसका विकृति, इसमें विकृति कब आ गई, जब इसमें जुड़ गया पूंजीवाद का तड़का, जब इसमें जुड़ गया आर्थिक इंटरेस्ट से उपनिवेशवाद का तड़का। इसकी ही चरम परिस्थिति देख रहे हो, इंग्लैंड क्या कहता है, इंग्लैंड अपने साम्राज्यवाद के संदर्भ में कहता है कि इंग्लैंड की उपनिवेश में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, इंग्लैंड के साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है। तो इंग्लैंड के साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, इंग्लैंड का जो साम्राज्य है ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में है, और इंग्लैंड तो है ही है, अफ्रीका में है, राइट। तो ये अगर आप लोग ग्लोब देखोगे
तो कहीं एक जगह सूर्यास्त होता है तो कहीं दूसरी जगह सूर्योदय होता है, राइट। तो ये क्या है, ये अपनी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का प्रयास है वो स्टेटमेंट। देन जर्मनी क्या कहता है, जर्मनी कहता है ओके बेटा तुम बोल रहे हो कि भाई इंग्लैंड के साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, तो उसने कहा कि हमें सूर्य के नीचे ही घर बनाना है, सूर्य के नीचे। यानी कि अगर तुम बोल रहे हो ना कि भाई कभी सूर्यास्त नहीं होता, यानी कि हमेशा ही सूर्य निकले हुए होता है, तो उसी सूर्य के नीचे अब हम क्या करेंगे, घर बनाएंगे। प्रतिद्वंदिता प्रारंभ हो गई, राष्ट्रवाद की भावना प्रारंभ हो गई, राइट। तो ये जो विकृत राष्ट्रवाद का जो संकल्पना है ना दोस्तों, 19वीं 20वीं सदी में जो इसने आ गया, जैसे ये तो बात हो गई फ्रांस और जर्मनी के बीच में, जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में मैंने अभी उदाहरण दिया, राइट। तो ये ऑस्ट्रिया और रूस के बीच में, ये सबके इंटरेस्ट क्या था, एक दूसरे के टकरा रहे थे, सबके इंटरेस्ट हित एक दूसरे से टकरा रहे थे, और सब कोई एक दूसरे को, जैसे फ्रांस जर्मनी को हमेशा अपनी जो उसकी बेइज्जती हुई थी पराजय सेराम के युद्ध में, देन वो चाहता था कि भाई हम जर्मनी को इसका सबक सिखाएं, और ये सबक सिखाने के लिए वह क्या था, भूला नहीं था भाई अल्सेस लॉरेन का क्षेत्र जर्मनी ने फ्रांस से ले लिया, ये कैसे भूल सकता है, वह नहीं भूला था, राइट। तो इस राष्ट्रीयता की भावना ने, इस राष्ट्रीयता की भावना ने क्या किया, याद कीजिए, इस राष्ट्रीयता की भावना ने एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, और इससे क्या हो गया, इस विकृत राष्ट्रीयता ने विभिन्न राष्ट्रों के मध्य एक प्रकार का घृणा पैदा किया, एक प्रकार का द्वेष उत्पन्न कर दिया, और इसी घृणा और द्वेष ने क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध का बैकग्राउंड तैयार कर दिया था। तो ये जो हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं, इसका और भी ये और ज्यादा कब तीव्र आ जाएगा, राष्ट्रवाद के बाद एक मॉडर्नाइजेशन, आर्म शस्त्रीकरण हो जाएगा, हम देखेंगे सैन्यवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस सैन्यवाद ने, ये जो शस्त्रीकरण की अंधी दौड़ प्रारंभ होगी, इसने क्या किया, यूरोप के सभी देशों को एक दूसरे के समक्ष क्या करेगा, खड़ा कर देगा, राइट। तो यही चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट आप लोग देखोगे, सैन्यवाद एवं शस्त्रीकरण की भूमिका। जब कभी भी सैन्यवाद होता है, शस्त्रीकरण होता है, ये एक दूसरे के खिलाफ ही है। मान लीजिए कि अगर भारत कुछ कर रहा है, भारत अपनी आर्म्स मॉडर्नाइजेशन करेगा, तो भारत के आर्म्स मॉडर्नाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, भारत के आर्म्स मॉडर्नाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नेपाल का खतरा नहीं है, बांग्लादेश का खतरा नहीं है, जो नीदरलैंड है नीदरलैंड का खतरा नहीं है, इंग्लैंड का खतरा, यूरोप के किसी भी देश का खतरा नहीं है भारत पर। भारत अगर अपनी आर्म्स को बेहतर करेगा तो सीधा संदेश जाएगा चीन और रूस, सॉरी चीन और पाकिस्तान पर, क्योंकि इसके अभी प्रेजेंट में शत्रु दो ही हैं, इसको शत्रु देश आप कह सकते हो, चीन और पाकिस्तान। तो इसका कारण क्या हो, इसका परिणाम क्या हो, जब भारत अपने सैन्य का मॉडर्नाइजेशन करेगा तो पाकिस्तान भी अपने सैन्य का मॉडर्नाइजेशन करेगा। याद कीजिए, भारत ने जैसे ही परमाणु बम का परीक्षण किया, पाकिस्तान को भी किसी भी देश की सहायता से, पाकिस्तान ने देन उसने क्या किया था, परमाणु बम कर लिया था, क्योंकि भारत के पास परमाणु बम होना पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट खतरा था, पाकिस्तान अपनी ताकत को दिखाने के लिए उसको परमाणु बम का परीक्षण करना अनिवार्य था। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं ना, हमने तो क्या किया, हमने तो देख लिया ना किस प्रकार की घृणा और विश्वास की भावना है इन देशों के बीच में, किस प्रकार ये सभी के सभी देश एक दूसरे को शत्रु समझते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, और विश्वास है इनके बीच में, प्रतिद्वंदिता है,
और जब ये प्रतिद्वंदिता होगी तो हम देखेंगे 19वीं और 20वीं सदी में, ऑब्वियस सी बात है, ये तो स्टोन एज तो है नहीं। अगर स्टोन एज होता तो ये लोग पत्थर से युद्ध कर लेते, अगर मध्य युग होता तो ये लोग तलवार से, लाठी से, भाले से युद्ध कर लेते। लेकिन अब ये क्या है, मैकेनाइजेशन हो गया है, तो यहाँ पर नई नई शस्त्र, नए नए सेना की नई नई रणनीतियाँ विकसित होंगी, राइट। सैन्यवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या होगा, सैन्यवाद को आप लोग देखोगे कि यूरोप में इस समय, यह पॉइंट आप लोग को याद रखना जरूरी है, यूरोप में अनिवार्य सैन्य सेवा, अनिवार्य सैनिक सेवा, यह कहा गया यूरोप के देशों में कि नागरिकों को अनिवार्य सैनिक सेवा करना जरूरी है। इसने क्या किया, सैन्यवाद। सैन्य, जब सेना का मतलब क्या है, सेना में दो एलिमेंट है, उसके आर्म्स एंड देन सेना। तो इसने अनिवार्य सैन्य सेवा कर नियम लागू करके यूरोप के सभी देशों ने क्या किया, सेना की संख्या को बढ़ाया। और दूसरी तरफ आप लोग देखोगे कि शस्त्रीकरण में भी क्या होगा, आप लोग, मैंने बताया था कि जर्मनी क्या कर रहा है, जर्मनी अपनी नौ सेना को बढ़ा रहा है, नौ सेना को शक्ति को बढ़ा रहा है। तो जब ये अपनी नौ सेना शक्ति को बढ़ाएगा तो ये किसके अगेंस्ट में करेगा, इंग्लैंड के अगेंस्ट में करने का प्रयास कर रहा है। और इनके बीच में, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में नौ सेना को लेकर के एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाएगी। और इस समय आप लोग देखोगे कि जो सेना होता है ये तमाम सेना राष्ट्र की प्रतिष्ठा का सूचक हो जाएगा, राष्ट्र की प्रतिष्ठा का सूचक हो जाएगा। आप लोग भी देखोगे जब कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई इशूज होती है तो हमारे यहाँ के न्यूज़ चैनल क्या शो करते हैं, हमारे यहाँ के जो न्यूज़ चैनल हैं वह कंपेयर लगते हैं करने, तुलना लगते हैं करने भारत की सैन्य क्षमता और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर। और ये सैन्य क्षमता जब तुलना करते हैं और ये तुलना करने के बाद गर्व से उनका निष्कर्ष क्या होता है कि अरे पाकिस्तान, हमारे यहाँ की सैन्य क्षमता देख लो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि भारत पर तुम आक्रमण कर लोगे, आक्रमण करना है कर लो, तुम्हारी शौक है, लेकिन परिणाम भी तुम देख लो, ये हमारी क्षमता है, तुम्हारी क्षमता है। तो ये जो सैन्य क्षमता है, सेना की क्षमता है, शस्त्र, ये जो है ये क्या करेगा, ये राष्ट्र की प्रतिष्ठा का सूचक हो जाएगा। याद कीजिए जब बालाकोट पर क्या हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, तो उस एयर स्ट्राइक में कहा गया कि अगर उस समय हमारे पास राफेल होता तो हमारे जो जहाज, जो MiG-21, MiG-29 गई थी वहां पर बालाकोट के अंदर, उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। अगर उस समय हमारे पास राफेल होता तो हम ये क्यों इसकी वृद्धि कर रहे हैं, शस्त्रीकरण में उसका मॉडर्नाइजेशन, जो आधुनिकीकरण कर रहे हैं, इस आधुनिकीकरण करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी कम क्षति हो, दुश्मन को हम डिस्ट्रॉय कर दें। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है किसी का खून बहाए, लेकिन अगर अगर युद्ध हो रही है तो उद्देश्य यही है कि जो दुश्मन देश है उसकी लाशें बिछा दें, जो दुश्मन देश हैं उसकी जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें, विनाश कर दें, ऐसा सबक सिखाएं कि वह फिर कोई कुछ सीखे नहीं, राइट। तो ये जो भावना है यही भावना राष्ट्र की प्रतिष्ठा का सूचक बन जाएगा। और ये एक अंध दौड़ शुरू होगा सैन्यवाद का, शस्त्रीकरण का, राइट। तो ये सब चीजें, और ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास परमाणु बम है, याद कीजिए पाकिस्तान क्या कहता था कि भारत, सोच ले पाकिस्तान एक परमाणु बम से संबंधित देश है, भारत के पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, अगर हम परमाणु बम छोड़ देंगे तो, एक डर होता है। हमारे पास अगर बेहतर बेहतर शस्त्र है, मॉडर्न हथियार है, तो सामने वाला देश क्या करेगा, सोचेगा, आक्रमण करने से पहले भी सोचेगा। ये एक प्रिवेंटिव भी होता है, प्रिवेंट, डर पैदा कर देना। अगर हमारे पास जितने ही आधुनिक हथियार होगा, ये सामने वाले देश के बीच में एक डर पैदा करेगा।
मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि देखो साम्राज्यवाद में साम्राज्य विस्तार करना है, साम्राज्य विस्तार करने के पीछे तो करना ही करना है, उपनिवेश स्थापित तो करना ही करना है, और इस उपनिवेश को स्थापित करने के लिए युद्ध अनिवार्य है, युद्ध अनिवार्य है। लेकिन उन्होंने यह भी प्रयास किया कि युद्ध को कैसे रोका जाए। युद्ध को रोकने के वो लोग दो रणनीतियां अपनाते हैं, एक तरफ तो संधियां करते हैं, जैसे जर्मनी ने रूस के साथ जो पुनर्आश्वासन संधि किया था, तो इस पुनर्आश्वासन संधि करने के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि रूस जर्मनी पर कभी आक्रमण ना करे, रूस फ्रांस के साथ मिले ना, राइट। तो ये एक तो प्रिवेंटिव होता है, यह भी गुटबंदी भी प्रिवेंटिव होता है। जैसे भारत और अमेरिका के बीच में आज आप लोग देख रहे हो कि एक बेहतर संबंध है, तो जब भारत और अमेरिका के बीच में एक बेहतर संबंध है और चीन को लगता है कि अगर हम भारत पर आक्रमण करते हैं तो अभी जो सरकमस्टांस क्रिएट हुआ है, इस सरकमस्टांस में अमेरिका भारत का सहयोग कर सकता है, तो ये एक डर पैदा करेगा चीन के अंदर और चीन कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, राइट। तो ये जो गुटबंदी होती है दोस्तों, ये डर पैदा करता है दुश्मन देश में, और ये शस्त्रीकरण भी एक डर पैदा करता है। लेकिन कल्पना सोचिए, ये तो हम एक पक्ष बता रहे हैं ना, भारत के दृष्टि से ना, पाकिस्तान भी, सॉरी, चीन भी तो ऐसा कर रहा है, चीन भी रूस के साथ जा रहा है, चीन भी पाकिस्तान के साथ जा रहा है, चीन भी टर्की के साथ जा रहा है, चीन भी ईरान के साथ जा रहा है, चीन भी अपनी गुटबंदी कर रहा है, चीन भी अपनी मैकेनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। तो ये जो शस्त्र का होड़ चलेगा, जब तक शांत है, जब तक युद्ध नहीं चलेगा तब तक तो सही है, लेकिन जैसे ही युद्ध होगा तबाही का ऐसा मंजर आपके सामने आएगा जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर पाओगे। यही शस्त्रीकरण का दौर का परिणाम है, जिसकी वजह से इसको टोटल वार की संज्ञा दी गई है, राइट। इसके पहले जो भी युद्ध हुआ वो तत्कालिक था, वो तत्कालिक था, लेकिन इसमें देखोगे कि लगभग 100 वर्षों से ये लोग तैयारी कर रहे हैं, 50 वर्ष एटलीस्ट सीरियस प्रिपरेशन हुआ है, 50 वर्ष इस युद्ध की पृष्ठभूमि, 50 वर्ष लगभग 1870 के बाद इस डायरेक्ट सीरियस सभी देशों ने अपनी अपनी सुरक्षा दूसरों को अलग थलग करने का प्रयास किया 50 वर्ष, और इस 50 वर्ष में इन्होंने शस्त्र का ऐसा ऐसा दौर प्रारंभ किया। जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध ने क्या किया, यूरोप के मानचित्र को बदल दिया, मानव सभ्यता पर एक गहरा छाप छोड़ा, और इसलिए इसको कहते हैं टोटल वार इन मॉडर्न हिस्ट्री। तो टोटल वार जो कहा गया है ये क्यों कहा गया है, अगेन ये दूसरा प्रश्न भी मैंने आप लोग को बताया था कि क्या प्रश्न दिया था, बाई 1914 द सिक मैन ऑफ यूरोप वॉज नो लॉन्गर जस्ट टर्की, इट वॉज यूरोप इट सेल्फ, राइट। तो आप लोग देख रहे हो ना, यूरोप की बीमारी है ये सब संधियां, गुप्त संधियां, कूटनीतिक संधियां, जो यहां पर ये गुटबंदी करने का प्रयास किया जा रहा है, जो यहां पर शस्त्रीकरण का दौर प्रारंभ हो रहा है, जो सैन्यवाद चल रहा है, यही सब क्या है, सिम्टम्स ऑफ सिक यूरोप, दिज ऑल आर सिम्टम्स ऑफ सिक यूरोप। यहां पर डायरेक्ट आपको कारण कॉज नहीं बताना है, बल्कि आपको सिम्टम्स बता देना है कि देखो यही सिम्टम्स हैं। विकृत राष्ट्रवाद बेहतर है, लेकिन अगर विकृति आ जाए, अगर आपके शरीर के अंदर विकृति आ जाए, तो यही विकृति क्या करती है, यही विकृति आपकी बीमारी का परिचायक होती है। तो दिज ऑल आर सिम्टम्स ऑफ सिक मैन, सिक यूरोप, राइट। और यही सब पॉइंट्स को आपको लिखना है, राइट। अगेन इसके बाद आप लोग देखोगे दोस्तों, समाचार पत्रों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके बारे में हमने कल चर्चा कर लिया था।
कल के लैब चैप्टर जो हमने क्लास लिया था उस क्लास में हमने काफ़ी अधिक चर्चा कर लिया था, तो इसके बारे में कल के लेक्चर से आप रेफरेंस लेना। सिक्स पॉइंट जो है वह बालकन क्षेत्र में, जटिल समस्या, अगेन बालकन क्षेत्र की जटिल समस्या जिसके बारे में हमने शुरू भी कर लिया था कि बालकन क्षेत्र यही है बालकन क्षेत्र, और इस बालकन क्षेत्र में दो देशों का इंटरेस्ट बहुत एक दूसरे के अगेंस्ट था, रसिया और ऑस्ट्रिया का। यहां पर सर्बिया भी है, यहां पर सर्बिया सर्व जो जाति है उस सर्व जाति यहां पर बेहतर है, बहुत ही ज्यादा है। ये सर्बिया आप लोग देखो, ये सर्बिया आप लोग याद रखना, क्योंकि यहीं से जो तत्कालिक कारण यहीं सर्बिया में, इसी सर्बिया में है, राइट। तो ये सर्बिया क्या करेगा, सर्बिया सर्व अस्लाव श्लाव जनजाति, श्लाव जनजाति सर्व श्लाव जनजाति है जिस पर रूस क्या कर रहा है। अब क्या करेगा रूस जो है ना, रूस सर्बिया का समर्थन कर देगा, तो यहां पर सर्बिया और रूस एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, ऑस्ट्रिया इसका अगेंस्ट करेगा और हम देखेंगे किस प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी। ये समस्याएं तब और ज्यादा हो रही है जब त्रिगुट संधि हो गया, मैत्री संघ स्थापित हो गया। तो ये अब क्या है कि सिर्फ अभी तक हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया है और रूस है, इनके इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट हो रहा था चलो, लेकिन जब 1907 में मैत्री संघ बन गया, 1882 में त्रिगुट संधि हो गई, देन अब वह एक देश नहीं थे बल्कि उनके साथ साथ आप लोग देखोगे बालकन जो क्षेत्र है, इस बालकन क्षेत्र में त्रिगुट संधि बनाम मैत्री संघ, ये दोनों ही संघ क्या है आपस में एक दूसरे के साथ आ गए। यहां पर रूस के साथ आप लोग देखोगे, रूस के साथ इंग्लैंड और फ्रांस भी हो जाएंगे, और यहां पर ऑस्ट्रिया के साथ आप लोग देखोगे कि जर्मनी भी आ जाएगा, राइट। तो ये ऑस्ट्रिया और जो जर्मनी है त्रिगुट संधि वाले, ये सर्व अश्लाववाद को कुचल देना चाहते हैं, को कुचल देना चाहते हैं, इसको समाप्त कर दो भाई। जबकि ये जो रूस है, सर्बिया है, ये स्लाव स्लाव जो जाति है उसके आधार पर ये रूस का मानना था कि ये रूस का भाग है। तो ये बालकन क्षेत्र में इन दोनों का इंटरेस्ट क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, और इनके साथ सर्बिया भी आ जा रहा है, सर्बिया देश जो मैंने आपको दिखाया था, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सर्बिया को रूस, इंग्लैंड और फ्रांस ये सब साथ दे रहे हैं, तो अब देख रहे हो ना कितना जटिलता आ जा रही है। और जो तत्कालिक कारण है दोस्तों, यही बालकन क्षेत्र में ही होगा। तो अब आप लोग ये भी सोचोगे कि भाई चलो ठीक है, बालकन युद्ध दो देशों के बीच इश्यूज है, जैसे मान लो अभी गलवान घाटी में समस्या किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच में समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बाउंड्री इश्यूज हैं। लेकिन अब भारत और चीन के बीच में हो रहा है युद्ध, हो गया बाय द वे, तो अमेरिका भारत के पक्ष में आ जाएगा, हो सकता है रूस न्यूट्रल हो जाए या चीन का साथ देते, चीन के साथ में भी कई सारे देश आ जाएंगे, भारत के साथ में भी कई सारे देश आ जाएंगे। लेकिन ये युद्ध क्यों हो रहा है, क्यों शामिल हो रहे हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ा परेशानी तो है, समस्या बालकन क्षेत्र की है, समस्या स्लाववाद है, लेकिन क्या फ्रांस अपना अपमान भूल चुका है, नहीं। क्या ऑस्ट्रिया छोड़ देगा रूस और सर्बिया को, नहीं। क्या इंग्लैंड जर्मनी को ऐसे ही छोड़ देगा कि भाई तुम अपनी नौसैनिक शक्ति और उपनिवेशवाद स्थापित करते रहो, नहीं। तो ये सब कारण है, ये तत्कालिक कारण है, लेकिन आप लोग देखोगे कि एक
अंदर से अंदर गुस्सा, घृणा, अच्छा चलो बेटा जिस दिन मौका मिल जाएगा ना उस दिन तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो भावना है ना, ये भावना पिछले 50 वर्षों से एक दूसरे के विरुद्ध उत्पन्न हो रही थी। सभी देशों ने अपने अंदर ही दमन करके रखा था और उन्होंने सिर्फ उस दिन का इंतजार किया कि ओके जिस दिन मौका मिल जाएगा उस दिन हम छोड़ेंगे नहीं, और वो मौका मिलेगा बालकन क्षेत्र में ही। दूसरा अगेन इसका एक कारण है और, फ्रांस की बदले की भावना। बदले की भावना दरअसल क्या हुआ कि जब 1870 में सेडान का युद्ध हो रहा है, तो सेडान के युद्ध के बाद एक फ्रांसीसी साहित्यकार है ह्यूगो, विक्टर ह्यूगो, फ्रांसीसी साहित्यकार है, इसके शब्दों को आप लोग सुनो, इसने कितनी अच्छी बात लिखी। विक्टर ह्यूगो, विक्टर ह्यूगो क्या कहता है अपनी एक आर्टिकल्स में, वह कहता है कि देखो आज के बाद यानी कि सेडान युद्ध में फ्रांस के पराजय होने के बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद हमें इन दो देशों पर ध्यान रखनी होगी, जर्मनी और फ्रांस पर, हमें इन दो देशों पर ध्यान रखनी होगी क्योंकि इन्हीं दोनों देशों के की जो एक्शन होगा, एक्टिविटीज होगा, वह विश्व की शांति निर्धारित करेगा। शांति का जो निर्धारण है, ये शांति का निर्धारण इन्हीं दो देशों के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो आप लोग देखो, ये जो बात कह रहा है, ये कितनी सच्चाई है। फ्रांस इस अपमान को कभी भूल नहीं पा रहा है। और नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण में होता क्या है? ये बोस्निया है, बोस्निया की जो राजधानी है वहां पर राजकुमार की हत्या एक सर्व के द्वारा कर दिया गया है। सर्व मतलब सर्विया, सर्व जाति। एंड देन उसको लेकर के सर्बिया और ऑस्ट्रिया एक दूसरे के ऊपर हो गए हैं। बोस्निया के राजकुमार का हत्या हो रहा है सर्व जाति के द्वारा, और इस पर ऑस्ट्रिया और सर्बिया एक दूसरे के विरोध में हो जा रहे हैं। ऑस्ट्रिया ने कहा, बहुत सारे शर्तें आरोपित किया सर्बिया पर कि भाई ये तुमने किया था, तुम्हारा रोल है, और इसीलिए तुम पर हम ये तमाम शर्तें आरोपित करते हैं और तुमको इसको स्वीकार करना पड़ेगा, राइट? इनमें से कुछ शर्तों को सर्बिया ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन रेस्ट ऑफ को वो संभव नहीं था उन शर्तों को स्वीकार करना। इस पर सर्बिया कुछ रिएक्शन देता उसके पहले ही ऑस्ट्रिया ने क्या किया, आक्रमण कर दिया 28 जुलाई 1914 को। जैसे ही ऑस्ट्रिया सर्बिया पर आक्रमण करता है, ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी आ जाता है, सर्बिया के साथ रूस, फ्रांस, इंग्लैंड आ जाते हैं, और ये दौर प्रारंभ हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये तत्कालिक कारण आप लोग देखो, ये क्या है, एक हत्या है, लेकिन अंदर से उबाल था, सुसुप्त वाता ज्वालामुखी था, और वही सुसुप्त ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा 28 जुलाई 1914 को, और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो ये तमाम कारण है। अगेन अब हम आते हैं जो मैंने आप लोगों को आज एक प्रश्न दिया था, और वह प्रश्न क्या था, ये देखो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा, चूंकि जो लोग जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं होगा उनके लिए मैं एक बैकग्राउंड बता दूं, खास करके ये प्रश्न देखो, ये सिकमैन ऑफ यूरोप का मतलब क्या है, सॉरी टर्की, टर्की तुर्की को, तुर्की को, तुर्की को यूरोप का बीमार कहा गया।
ये कब कहा गया था? ये आप लोग को मैंने जब मैं जब पढ़ा रहा था इटली का एकीकरण, तो उसमें हमने पढ़ाया था क्रीमिया का युद्ध 1853-54, राइट। तो इस समय यूरोप में जो ये टर्की था, इस टर्की की आर्थिक अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बहुत ही कमजोर हो गया था, बहुत कमजोर हो गया था, राइट। और इसीलिए इसको कहा गया कि ओके ये तुर्की क्या है, बीमार स्टेट है, राइट। लेकिन कहा गया कि भाई नहीं, अब 1900 ये जो 1853-54 में जो तुर्की को कहा गया कि ये यूरोप का बीमार राष्ट्र है, बीमार देश है, ये 1914 तक आते आते पूरा यूरोप ही एक बीमार देश हो गया है। बीमार देश कैसे हो गया है, इसके पीछे कारण आप लोग देखो, इन सब कारणों को लिखो। इसमें आप लोग क्या लिखोगे, इसमें आप लोग लिखोगे कि देखो किस प्रकार की प्रतिद्वंदिता एक दूसरे देशों के बीच में हो रही है, किस प्रकार की संधियां किया जा रहा है, किस प्रकार के साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता हो रही है, किस प्रकार इंग्लैंड और जर्मनी के बीच समस्याएं पैदा हो रही है, किस प्रकार जर्मनी और फ्रांस के बीच की समस्याएं पैदा हो रही हैं, राइट। एक संदेह, एक गुप्त संधिया हो रही है। इस गुप्त संधि ने क्या किया था, एक ऐसी परिस्थितियां खड़ा कर दिया जिससे कि यह समझना मुश्किल, बहुत ही मुश्किल हो गया था कि कौन किसका दुश्मन है। देखो अगर संधि हो, उस संधि के जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, एलिमेंट है, उसको प्रकाशित कर दिया जाए तो पता चलता है। लेकिन अगर गुप्त संधि हो तो पता नहीं चलेगा कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है। एक भय, संशय का वातावरण प्रारंभ हो जाएगा। ये निर्धारित करना अलग हो जाएगा कि भाई जो शक्ति संतुलन है किसके पक्ष में है, राइट। तो ये जो तमाम समस्याएं हैं, वो तमाम समस्याएं क्या है, सिम्टम्स ऑफ सिकमेंट, राइट। तो ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण हो गए। अब कल के क्लास में हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के थोड़ा सा जो चरण डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है, उस डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, एंड देन हम उसका रिजल्ट आप लोग को पढ़ाएंगे, ओके। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, और फिर हम लोग कल मिलेंगे, और कल हम लोग इसके आगे पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे, ओके। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।